नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाली है। जैसे कि आप लोग ध्यान से देखिए, आज का वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाली है। जैसे कि आप लोग जो स्वास्थ्य बालक और बालिका स्पर्धा में जो आप लोग को करनी है, वो क्या क्या काम करनी होती है, इसके बारे में सबसे पहले जानिए आप लोग। जैसे कि सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि पोषण ट्रैकर, आप लोग पोषण ट्रैकर में जितने भी लाभार्थी होंगे, तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि आपके क्षेत्र में जितना भी पोषक क्षेत्र का लाभार्थी हो, यानी कि 0 से 6 माह का बच्चा हो या गर्भवती महिला हो, या ये सबको आप लोग को जो है 21 से पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन पहले कर लेनी है। उसके बाद आप लोग को क्या करनी होगी कि यानी कि बेनिफिशरी में हम लोग जाएंगे। सबसे पहले देखिए कि आप लोग बेनिफिशरी में जाएंगे और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से पेज खुल के आ गई है। और उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे 0 से 6 माह के बच्चे और 6 माह से 3 साल के बच्चे या 3 साल से 6 साल के बच्चे, इन सभी बच्चे को आप लोग को क्या करना है कि स्वास्थ्य बालक और बालिका स्पर्धा में आप लोग को देख लेना है अपने पोषक क्षेत्र में, और आप लोग को 100% रजिस्टर्ड करना है, यानी कि एक भी बच्चा छूटे नहीं। और जो पोषक क्षेत्र से जितना भी लाभार्थी रजिस्ट्रेशन हो गई, तो आप लोग को 21 से लेके 27 के बीच में आप लोग को सभी का ग्रोथ मोनेटिक आप लोग को आसानी से कर देनी है। समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं हम, कि सभी को आप लोग क्या कर देनी होगी, ग्रोथ मोनिटरिंग। और भी है जैसे कि ग्रोथ मोनिटरिंग हो गई, या सैम मैम में अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो गई है होगी तो आप लोग ग्रोथ से ही ठीक करेंगे। तो नॉर्मली इस पे जो है, यानी कि स्वास्थ्य बालक और बालिका स्पर्धा में आप लोग को नॉर्मली अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो किसी भी बच्चे का यानी कि जो सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा, इसके बारे में भी हमने यूट्यूब पे डाला है और आप लोग जरूर देखे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं, बहुत सारे आंगनबाड़ी सेविका आज कमेंट कर दिए है कि हम आज रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है। तो चलिए आज हम लोग एक लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन हम लोग करके दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 0 से 6 माह के बच्चे हो गए, इनको आप लोग को रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि आप लोग को इस तरह से पेज खुल गई है। और खुलने के बाद आप लोग देखिए कि सैम मैम नॉर्मल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग इस तरह से देख रहे हैं तो ये नॉर्मल है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग को यहाँ पे क्लिक कीजिए। लेकिन इससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि अगर जिन जिन लाभार्थी को आप लोग के पास आधार कार्ड है, तो आप लोग जरूर इनका जो है यानी कि आधार वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, क्योंकि हर एक बच्चा का तो आधार कार्ड हो नहीं सकता है, लेकिन गर्भवती और धात्री महिला को तो होती जरूर है, इसलिए आप लोग गर्भवती महिला और धात्री महिला का जो है यानी कि रजिस्टर्ड कर लेंगे, आधार से वेरीफाई कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। यहाँ पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए 0 से 6 माह के बच्चे, यानी कि बच्चा, यानी सिर्फ आप लोग को बच्चा का ही डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। तो आइए सबसे पहले एक बच्चा का डिटेल्स डालते हैं जो आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। आदिति कुमारी, ठीक है, यहाँ पे आदिति कुमारी, इनका आधार कार्ड नहीं है, हम लोग छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। हेल्थ आईडी आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जन्म तिथि है तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे जन्म तिथि डालिए इनका। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लिंक, यानी कि महिला है इसलिए यहाँ पे स्त्री पे हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद इनका पिता का नाम डालना है, उसके बाद माता का नाम डालना है, और यहाँ पे जो है फादर या मदर का मोबाइल नंबर। तो आइए इनका पिता का नाम डाल लेते हैं। इनका माता का नाम डाल देते हैं। उनके उसके बाद आप इनका जो है मोबाइल नंबर आप लोग जरूर डालिएगा, जो हकीकत उनके पास मोबाइल होता है वही नंबर आप लोग जरूर डालिए यहाँ पे। तो आइए हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिए, डालने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग क्या करना है, इसे सबमिट मार देना है। आप जैसे सबमिट मारिएगा तो देखिए कि यहाँ पे जो है ये लाभार्थी यानी कि जो आदिति कुमार के, आदिति कुमारी के नाम से हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे बैक भी हो गई, और इस तरह से आप लोग का जो है ये लाभार्थी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। चलिए जानते हैं कहाँ पे आप लोग को जो है आदिति कुमारी के नाम से यानी कि आई है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ऊपर में ही आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग को जो फर्स्ट नंबर में ही आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप लोग को हो गई है।
तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और यहाँ से यानी कि इनका जो है यानी कि ग्रोथ करना है तो ग्रोथ जैसे ही करेंगे तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे ये सर्किल बन के आ जाएगी। तो आप लोग सबसे पहले तो आप लोग 21 से लेकर 27 के बीच में तो स्पर्धा दिवस में आप लोग को ग्रोथ और यानी ग्रोथ ही डालना है, यानी कि वेट और हाइट ही डालना है। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से पेज खुल के आएगी और यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे विकास की निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग जो है आसानी से हाइट और यहाँ पे वजन डालेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट मार देंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को दिक्कत होती होगी तो ठीक इसी तरह से कमेंट कीजिए, आप लोग को हम जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग को लाइव दिखाएंगे इसी तरह से और बताएंगे भी। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।